Hello everyone, this is Salma Aftab standing in front of you and welcome back to your chemistry classes by Cell. And today I came here along with your reduced syllabus for the ICSC class 12. प्रीवियस ईयर में जो सिलेबस था उससे जो इस बार जो उसको कम किया गया है बहुत ज्यादा तो नहीं है बट दैट इज सफिशियंट फॉर यू आप लोगों के लिए ठीक है. तो एक डिटेल एनालिसिस लेकर आई हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड और अच्छे से समझ लो और मैं एक एक टॉपिक में क्या क्या एक्सक्लूड किया गया रिमूव किया गया है चैप्टर से आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ईच चैप्टर्स ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या आ रहा है सिलेबस में लास्ट ईयर क्या था और इस ईयर सिलेबस में क्या हम लोगों का कट किया गया है ठीक है. तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग आ जाओ पहले तो ये तो हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था ठीक है. अगर नहीं देखा है तो जाके मेरी वो क्लास देख लो कि सिलेबस में क्या क्या है फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. और जो चैप्टर है हम लोग का फिजिकल है फिजिकल इज योर ऑफ 25 मार्क्स एंड इनऑर्गेनिक इज योर ऑफ 20 मार्क्स और ऑर्गेनिक जो है 25 मार्क्स का है. और ये सारे चैप्टर्स हैं ठीक है. ये सारे चैप्टर्स हैं आपके सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक सरफेस एंड जनरल प्रिंसिपल्स एंड पी ब्लॉक ठीक है. यहां तक अप टू सरफेस केमिस्ट्री ये तुम्हारा चैप्टर जो है दे आर फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री एंड फ्रॉम 6 to 9 दिस चैप्टर बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर. और फिर आफ्टर दैन अपने बुक से आप लोग सब मिला लो बुक लेके बैठो और उसके बाद में सिलेबस को अच्छे से समझ लो ठीक है केमिस्ट्री का सिलेबस. और उसके बाद में आफ्टर देन फ्रॉम चैप्टर 10 to 16 इट इज योर ऑर्गेनिक पार्ट ठीक है. ऑर्गेनिक पार्ट तो चैप्टर तो बेटा इस केमिस्ट्री में चैप्टर तो एक भी नहीं कट किया गया है. सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये दिमाग से निकाल दो कि चैप्टर आपका रिड्यूस हुआ है. चैप्टर एक भी रिड्यूस नहीं हुआ है. ओनली सम ऑफ द टॉपिक इज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस ओके. तो अब एक एक चैप्टर पे आ जाओ कि क्या क्या हटाया गया क्योंकि एक तो चैप्टर इतना डिटेल में होता है और उसके बाद में कुछ टॉपिक्स ही हटाया गया है तो उसको अच्छे से समझ लो ठीक है. पहले तो आ जाओ अपने सॉलिड स्टेट चैप्टर में ठीक है. सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो जो चैप्टर है उसमें यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग ठीक है. उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है ठीक है. आयनिक कोवेलेंट मॉलिकुलर एमोफस क्रिस्टलाइन ये सारी चीजें डिफरेंस बिटवीन एमोफस एंड क्रिस्टलाइन हमने पूरा नोट्स भी दिया है और ये मेरा लेक्चर भी तुम्हारे है यूट्यूब पे ओके. तो उसको जाके अच्छे से देख लो. कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ये भी दिया हुआ है. पैकिंग इन सॉलिड पैकिंग एफिशियंसी पैकिंग फ्रैक्शन वो सारी चीजें हमने लेक्चर में डाल दिया है ठीक है. ठीक है तो जो वॉइड्स है हमने नहीं पढ़ाया था कोइंसिडेंटली वॉइड्स वाला पार्ट नहीं आ रहा है जो कि बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए. मैंने लेक्चर में डाला भी नहीं था एक्चुअली बताए इस चैप्टर से वही पार्ट हटाया गया जो मोस्टली चैप्टर्स में नहीं पूछे जाते हैं ठीक है. आईसीएसई में तो एटलीस्ट नहीं पूछा जाता है. सीबीएसई में ये पूछा जाता था बट आईसीएसई में नहीं आता था इस टॉपिक से. तो ये इस पॉइंट को इस टॉपिक को क्या कर दिया गया है एक्सक्लूड कर दिया गया रिमूव कर दिया गया. तो दैट इज योर वॉइड्स ठीक है. एंड आफ्टर देन वी हैव टू स्टडी क्रिस्टलाइन. अब ये है डिटेल एनालिसिस. ये जो देखो ये जो इस लिखा हुआ है ठीक है ये है तुम्हारा एकदम बिल्कुल शॉर्ट में दिस इज योर डिटेल्ड एनालिसिस ठीक है. तो हम लोग को क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस की पढ़नी है. क्रिस्टल लैटिस पढ़ना था जो कि हम लोगों ने सब क्लियर कर लिया. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर ये सारी चीजें पढ़ चुकी है अपने उसमें ठीक है. फिर उसके बाद में ये आ जाओ देखो नीचे. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में पाइजो इलेक्ट्रिसिटी एंड पाइरो इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया गया है बैंड थ्योरी में. आई हैव प्रोवाइडेड यू द नोट्स फ्रॉम दिस चैप्टर ठीक है. इस टॉपिक से हमने ये नोट्स दिया है और ये पाइजो इलेक्ट्रिसिटी एंड पाइरो इलेक्ट्रिसिटी इसको हटा दिया गया कट कर दिया गया ठीक है. तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है दिस इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ ठीक है. ये हाईलाइटेड पार्ट ही सिलेबस से हटा दिया गया हमने हाईलाइट कर दिया है. तो अपने बुक में ये हाईलाइट करते चले जाओ ठीक है. नाउ कम टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वी हैव टू स्टडी डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक. बट ये पार्ट मोस्टली हम लोग ज्यादातर इसको पढ़ते भी नहीं थे और ये इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया है कट कर दिया गया है ये चैप्टर ये टॉपिक
ये फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसको भी रिमूव कर दिया गया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज आवर सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन में देखो जरा क्या है. देखो सॉल्यूशन में हम लोग को सारी पढ़नी है. ठीक है, स्टडी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड तो पढ़ना है, बट सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन सॉलिड सोल्यूशन, ये इस पार्ट को कट कर दिया गया है. ठीक है, ये नहीं है हमारे सिलेबस में. ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, रॉल्ट्स लॉ पढ़ना है, ये सारी चीजें इस समय पढ़ना हुआ है, पढ़ना है हम लोगों को. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. अपने बुक में आ जाओ, सेकेंड पॉइंट में आ जाओ. रॉल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट्स एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स, ये सब पढ़ना है. आइडियल सोल्यूशन, ये देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में हम लोग को डेफिनेशन पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ना है, बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विथ एग्जाम्पल्स, दिस पार्ट इज रिमूव फ्रॉम द चैप्टर. ठीक है, ये रिमूव कर दिया गया. अब कॉलिगेटिव ये डिटेल है ना, ये तो शॉर्ट में था. ठीक है, अब ये जो इटैलिक्स में जितना भी लिखा हुआ है, इटैलिक्स में ये देखो जितनी भी लिखा हुआ है, ये डिटेल एनालिसिस है, तो ये पूरा पढ़ना है. ठीक है, वी हैव टू स्टडी द होल चैप्टर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज आवर, अब आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. थर्ड चैप्टर इज आवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है, उसकी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, ईएमएफ पढ़ना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ना है, नर्स्ट इक्वेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल्स आता है. तो ये पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, ये सब पढ़ना है. ठीक है, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये सारी चीजें पढ़नी है. कोहलराश लॉ भी पढ़ना है और उसके फराडे लॉ के ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कोहलराश लॉ में फराडे के दो लॉज हैं, उसको भी पढ़ना है. ठीक है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, दिस हाईलाइटेड पार्ट वी डोंट हैव टू स्टडी. अब हम लोग को नहीं पढ़ना ड्राई सेल, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल एंड कोरोजन, ये नहीं पढ़ना है. ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा हम लोग को पढ़ना पड़ता था, सिलेबस लेंदी भी हो जाता था. अच्छा हुआ ये पार्ट नहीं है, अब हटा दिया गया, हम तो खुश हैं. ठीक है, आप लोग भी मेरे ख्याल से खुशी होंगे, ये पार्ट हटा दिया गया है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. आप देखो ये डिटेल एनालिसिस है, जितने भी इटैलिक्स में लिखा हुआ है ना, ये डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना है. ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो मार्क लगा ही दो कि ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो आना ही आना है. ठीक है, न्यूमेरिकल कन्फर्म है पक्का. अब आ जाओ यहाँ पे क्या नहीं पढ़ना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यूनिट्स एंड ग्राफ. भैया इन लोगों ने इसको कट कर दिया, आसान है इन लोगों का, क्या करें, बहुत छोटा सा पार्ट था, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, और ऐसा एक्सक्लूड कर रहा है जैसा पता नहीं क्या किया है इन लोगों ने. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पार्ट भी नहीं था. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यूनिट्स एंड ग्राफ नहीं पढ़ना है. ठीक है, थैंक्स टू आईसीएसई. ठीक है, अब आ जाओ क्या नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ये फराडे लॉज हम लोगों को पढ़ना है. देखो जब हमने बताया था अभी फराडे लॉ के, फराडे के दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस की. ठीक है, तो अब उसके बाद में क्या नहीं पढ़ना है, बैटरीज नहीं पढ़नी है. ठीक है, ये बहुत बड़ा पार्ट था ये. ठीक है, देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है ये, लेकिन इसकी अलग अलग जब हम सेल पढ़ते थे तो बहुत लंबा टॉपिक आता था. और ये एग्जाम में पता है एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते भी नहीं थे और पढ़ना बहुत पड़ता था. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, लेक्लांसे सेल, मर्करी सेल, लेड स्टोरेज, बैटरी एंड फ्यूल सेल, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस एंड यूजेस और कोरोजन, ये सारे टॉपिक क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया इस चैप्टर से. ठीक है, तो बुक लेकर बैठे हो कि नहीं बैठे हो, नहीं बैठे हो तो अब लेकर बैठ जाओ, क्योंकि बार बार ये देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. चैप्टर्स पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, और ये इस बार पता ही है कि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो सिलेबस इस वजह से क्या कर दिया गया, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है आप लोगों के लिए, अच्छे के लिए. तो ये हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों को एक जगह बता दे रहे हैं कि इसको अच्छे से समझ लो. ठीक है, अब ये पार्ट तो हो गया. अब आ जाओ केमिकल काइनेटिक्स, जो अभी के चैप्टर हम लोगों को चल रहा है. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में ये सारी चीजें आ रही है, मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, लो एंड फास्ट रिएक्शन, ये सारी चीजें हैं. ठीक है, अब आ जाओ इधर भैया केमिकल काइनेटिक्स में तो ऐसा टॉपिक इन लोगों ने हटाया है, रिमूव किया है, कि हमें तो खैर क्या कहें, अगर ना ही हटाते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ना,
ठीक है, पूरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है. सिर्फ हटाया क्या गया है, हाफ लाइफ ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सिर्फ इतना सा टॉपिक हटाया गया, हाफ लाइफ ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब ये बताओ, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नहीं पता होगा तो फर्स्ट ऑर्डर का कैसे कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं. अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे कैसे. तो ये पार्ट मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों उन्होंने किया है. बहरहाल अगर ये ना पढ़ेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है हमारे सिलेबस में और ये जीरो ऑर्डर है, तो ये मुझे सेंसलेस लग रहा है, पता नहीं. बहरहाल एनीवेज अब आ जाओ, ये मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ये पूरी डिटेल एनालिसिस देख लो. ये कहीं पे भी कोई मार्किंग नहीं की गई है, ठीक है, कोई भी मार्कर नहीं यूज किया है मैंने. ठीक है, दैट्स वाई द होल टॉपिक इज कमिंग इन योर एग्जाम. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, फीजिस ऑप्शन, केमिस ऑप्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. ये सारे टॉपिक्स हैं. कैटालिसिस में क्या हटाया गया है, एंजाइम कैटालिसिस. ये जो हाईलाइटेड किया मैंने ग्रीन से, हाईलाइट किया है, ये पॉइंट क्या कर दिया गया है, इसको कर लो आप लोग भी बुक में, इसको कर लो कट. ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है. हालांकि ये बायोलॉजिकल पार्ट था इस चैप्टर में, एंजाइम कैटालिसिस आप लोग बायो में भी पढ़े होंगे, तो ये वही पार्ट है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. बहुत मतलब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले भी नहीं था. ठीक है, तो अब इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो ये हमारे चैप्टर में नहीं रहेगा अब केमिस्ट्री के, इस बार के सरफेस केमिस्ट्री के सिलेबस में. अब डिफरेंस अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से हटाया गया, एक फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका ग्राफ भी था, एक्सप्रेशन था, मतलब एक छोटी सी इक्वेशन भी थी इसमें, और इसका एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन पार्ट था कि एड्सॉर्प्शन पे क्या इसका एप्लीकेशन है. तो ये टॉपिक को भी क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है. ठीक है, इस टॉपिक को भी, हालांकि ये इंपॉर्टेंट था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, तुम लोगों के लिए इजी हो गया कि ये पढ़ना नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट है वही एंजाइम कैटालिसिस. एंजाइम कैटालिसिस में क्या क्या पढ़ना था, बेसिक आइडिया एंड लॉक एंड की मैकेनिज्म पढ़ना था पहले प्रीवियस ईयर के, लेकिन इस ईयर के सिलेबस में ये टॉपिक क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया. ठीक है, अब कोलोइडल स्टेट, ये सारी चीजें पढ़नी है, इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रिपरेशन है, लियोफिबिक सॉल्यूशन है, लियोफोबिक सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें पढ़नी है. ठीक है, तो ये तो सारी चीजें पढ़नी पढ़नी है, तो खुश रहो खूब. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, जो कि मेटलर्जी पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है मेटल्स, मेटलर्जी, ओर्स, प्रिंसिपल्स, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी है. ये सारी चीजें पढ़नी है, और कौन सा टॉपिक इन्होंने निकाला है, यहां से रिमूव किया, एक्सक्लूड किया है, दैट इज योर, इसमें देखो तो डिटेल एनालिसिस में देखो, अपने बुक में अच्छे से देख लो कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी और उसके एलिंगहम डायग्राम, जो कि बहुत ये ट्रिकी ये था डायग्राम, ये इस चैप्टर में से इसको हटा दिया गया है. ठीक है, ये इस चैप्टर से हटा दिया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज है. अब आ जाओ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में. हाँ, ये जो वन एंड ओनली चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वन एंड ओनली चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें कि ये वन एंड ओनली चैप्टर है जिसमें कि बहुत सारा टॉपिक जो है इसमें से तुम्हारे रिमूव कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि पहले भी पता है ये चैप्टर पढ़ाने में इतना ज्यादा लेंदी था, इतना ज्यादा लेंदी था ये चैप्टर, और इसमें से आता था क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन आता था जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता था ये चैप्टर. और ये चैप्टर क्या है, सिर्फ याद करने वाला है, ठीक है, लर्न करने वाला है, तो दैट्स वाई ये थोड़ा इरिटेटिंग चैप्टर, अच्छी चैप्टर है बट इरिटेटिंग है थोड़ी सी. ठीक है, तो इसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर एक टीचर कह रहा है कि ये चैप्टर अगर ये इसमें से हट गया है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, अब देखो ये कौन सा है टॉपिक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सारी चीजें पढ़नी है. ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहला आ जाओ ग्रुप 15 एलिमेंट्स में. ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में क्या छोड़ना है हम लोगों को, है ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एमोनिया. ठीक है, ये हम लोगों के इस चैप्टर से निकला है. उसके बाद में ये सारी चीजें पढ़नी है, नाइट्रिक एसिड पढ़ना है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसकी, लेकिन बट एमोनिया और एमोनिया की नहीं पढ़नी है. ठीक है, अब आ जाओ फॉस्फोरस, एलिट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस पढ़ना है, फॉस्फोरस के जितने भी एलिट्रोप फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसको
सॉरी उसको निकाल दिया गया है, ठीक है, ये कट कर दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद में हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स भी रिमूव कर दिया गया. फॉस्फीन वी हैव टू स्टडी, बट हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड जो ये ग्रीन से हमने हाईलाइट किया है, इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, ठीक है. अब यहाँ पे आ जाओ, जनरल इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी है. नाइट्रोजन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन, डिकम्पोजिशन और एमोनियम डाइक्रोमेट, ये सारी पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है. बट जो पढ़ना नहीं है वो यहां से स्टार्ट है, दैट इज योर बेरियम एजाइड, ठीक है, बेरियम एजाइड नहीं पढ़ना है, ठीक है. और ऑक्सो एसिड यहाँ पे था, ये डिटेल एनालिसिस है, तो ऑक्सो एसिड में क्या क्या पढ़ना था, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है. अब देखो इसमें N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है. प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस, ये भी बहुत लेंदी पार्ट था, ठीक है, ये कट कर दिया गया, बहुत अच्छी चीज है. एमोनिया बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, आप लोग टेंथ में भी पढ़े हो, ठीक है. प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्साइड, क्लोरीन, ये सारी चीजें क्या है, रिमूव कर दी गई है यहां से लेके, मतलब थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ये टोटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है. नाइट्रिक एसिड की स्टडी करनी है. अब नेक्स्ट आ जाओ हम लोग, क्या क्या नहीं पढ़ना है. और ये चैप्टर में बहुत ज्यादा हटाया गया है, जो कि सच में हमें खुशी है, पर्सनली हमें बहुत ज्यादा. अब देखो इसमें क्या नहीं, सिक्स पॉइंट में आ जाओ, जिसमें लिखी एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस एंड देयर स्ट्रक्चर, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है. एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस एंड देयर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये पार्ट नहीं पढ़ना है. अब उसके बाद में आ जाओ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड नहीं पढ़ना है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्रिपरेशन एंड फॉस्फोरस यूजेज. फिर पेंटाक्लोराइड भी नहीं पढ़ना है, ठीक है. ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस भी नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग को नहीं पढ़नी है, ठीक है. अब आ जाओ ग्रुप 16 एलिमेंट्स में फिर से क्या, ऑक्सीजन नहीं पढ़ना है, ठीक है. ऑक्सीजन नहीं पढ़ना है, जो कि ये तो इम्पोर्टेंट था बट हटा दिया गया है, और ये पढ़ना है, ठीक है. फिर उसके बाद में सल्फर इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स, सल्फर के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां पे फास्फोरस के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स भी नहीं पढ़ना था. ऑक्सीजन ये हटा दिया गया है, और ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और स्ट्रक्चर्स, पहले भी स्ट्रक्चर ही पढ़ना था, अब क्या करना है, पूरा ये हटा दिया गया, ठीक है. तो मार्क करते जाओ, भूलो नहीं, ठीक है. अब आ जाओ ये सेकेंड टॉपिक, दैट इज योर ऑक्सीजन लैब मेथड एंड प्रिपरेशन, ये भी नहीं है, ठीक है, ये इसको भी रिमूव कर दिया गया. फिर उसके बाद में आ जाओ सल्फर, ठीक है, सल्फर के एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ये सारी चीजें क्या कर दी गई है, और एक्सट्रैक्शन बाय जो फ्रेश प्रोसेस पढ़ते थे सल्फर का, वो भी रिमूव कर दिया गया इस टॉपिक से, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ SO2, ठीक है, ये भी हटा दिया गया. एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड स्ट्रक्चर, ये भी हटा दिया गया, ठीक है. जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसको रिमूव कर दिया गया है, और अच्छे से अपने बुक में भी मार्क कर लो, ठीक है, क्या क्या नहीं पढ़ना है. अब आ जाओ ग्रुप 17 एलिमेंट्स में. देखो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में हम लोगों को क्लोरीन पढ़ना है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है. दिस वन इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द सिलेबस. अब आज फर्स्ट जो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लोरीन पढ़ना है. अब ये डिटेल एनालिसिस है इटैलिक्स में. देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पूरा जो टॉपिक है, लैब प्रिपरेशन है, एसिडिक नेचर है, रिएक्शन विद एमोनिया है, कार्बोनेट्स है, सल्फाइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्वारीजिया एंड इट्स यूजेस, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है. मतलब थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट टोटली रिमूव कर दिया गया है. इंटरहेलोजन कंपाउंड्स पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मार्क भी कर लो इसके साथ साथ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी है, ठीक है. अब आ जाओ ग्रुप 18 एलिमेंट्स में सब पढ़ना है, ठीक है, परेशान ना हो कि सब तुम लोगों का रिमूव कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है. अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है. डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भैया ये चैप्टर में से भी कुछ ऐसी चीजें हटाई गई हैं जो कि ना भी हटाते तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना था. इस चैप्टर पे इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, कहीं छूटा नहीं है. लैंथेनाइड एक्टिनॉइड्स पढ़ना है, लैंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंपैरिजन विद लैंथेनाइड पूरा पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है. दोनों कंपाउंड जो कि दिया हुआ, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी पढ़ना है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो दो कंपाउंड है इसमें, वो भी पढ़ना है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा गया. सिर्फ क्या नहीं पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है जो कि धन्य हो ICSE, इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस बहुत ज्यादा नहीं है. इफेक्ट ऑफ pH, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत डिटेल एनालिसिस हो जा रही है लग रहा है.
हम लोग जल्दी जल्दी इसको कोशिश करते हैं। यहां पे भी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ा गया है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। हम लोगों को इसके जितने भी हैं डेफिनेशन ऑफ लिगेंड्स पढ़ना है, आईपीएसी नेम पढ़ना है, मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स पढ़ना है, आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है, और इसके बाद में वर्नर्स थ्योरी भी पढ़नी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़नी है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। क्या नहीं पढ़ना है? सीएफटी, दैट इज योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो और पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा टॉपिक पढ़ना है, ये यहां से लेके यहां तक पूरा पढ़ना है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं पढ़नी है। जो आप इसके डिटेल में आ जाओ तो डिटेल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके किसका ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कंपाउंड के बेसिस पे पढ़ना था, और उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर भी सिलेबस में था, जो कि ये भी रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी रिमूव किया गया, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हो गया ये पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आ जाओ हम लोगों के हेलो एल्केन्स ऑर्गेनिक पार्ट, यहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट्स को थोड़ा अच्छे से देख लो, समझ लो। ठीक है, क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है, कुछ चैप्टर में बहुत अच्छा रिमूव किया गया जो कि स्कोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, और कुछ चैप्टर में बहुत ना के बराबर है। ठीक है, लेकिन हेलो एल्केन्स में बहुत अच्छा रिमूव किया है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पार्ट में से ऑलमोस्ट समझ लो कि ये हेलो एरीन्स पूरा रिमूव ही कर दिया गया है। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, यानी कि जो हेलो एल्केन्स का पार्ट है उसको रखा है, जो बेंजीन का पार्ट है वो रिमूव कर दिया गया। देखो, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बहुत लंबा लेंथी टॉपिक था, पता है, ये बहुत इसी टॉपिक को पढ़ते पढ़ते काफी टाइम लग जा रहा था, और ये और पढ़ने पे और ज्यादा लेंथी हो रहा था, तो ये हटा दिया गया है। ये मैं अगर पर्सनली कहूंगी कि ये टॉपिक हटाया गया है, तो बहुत ज्यादा टॉपिक हट गया है तो आपके इस ऑर्गेनिक पार्ट से। ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड और यूजेस, एनवायरमेंटल इफेक्ट, डीडीटी, फ्रियॉन्स, ये सारी चीजें हट गई है। ठीक है, हाँ, हेलो एरीन्स में ये पढ़ना है हम लोगों को। अब डिटेल एनालिसिस में आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रियॉन्स नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रियॉन्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है, जरा देखते जाओ, अपने बुक से मिलाते जाओ। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीजें देखते जाओ, देखते टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, और नोट भी करते जाओ, सामने रखोगे नोट करते जाओगे ज्यादा आसान, वीडियो को बार बार पॉज करके फिर से उसको चलाकर फिर से देख लेना। ठीक है, रिज्यूम करके। अब आ जाओ हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रियॉन्स, ये नहीं पढ़ना है, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक हो गया। यहां के बाद हम लोग आ जाते हैं अब एल्कोहल, दैट इज योर न्यू चैप्टर, दैट इज योर एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। यहां पे ये सारी चीजें क्या है, रिमूव कर दी गई, क्योंकि ये हेलो एरीन्स का पार्ट है। ठीक है, हेलो एरीन्स का पार्ट यहां पे हम लोग देखे थे कि यहां पे हेलो एरीन्स का पार्ट ये पूरा रिमूव कर दिया गया है, फ्रियॉन, साइडोफॉर्म, डीडीटी। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, सैनमियर, ये जितने भी है पार्ट है हेलो एरीन्स के रेफरेंस से ये सारी रिएक्शन डिलीट कर दी गई है। हेलो एल्केन के पार्ट से आ रहा है, ठीक है, लेकिन हेलो एरीन्स से रिमूव कर दिया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर इज अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इसमें बहुत छोटा सा पॉइंट यहां पे रिमूव हुआ है, दैट इज योर मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन को रिमूव कर दिया गया। अब उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट एज इट इज है, सेकेंड पॉइंट एज इट इज है, उसके बाद में उसमें सेकेंड पॉइंट के अंडर में मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल बाय बॉश प्रोसेस, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको, इस प्रोसेस को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। उसके बाद में प्रॉपर्टीज, यूजेस, और उसके बाद में फिनॉल्स, ये सारा एज इट इज है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, एलिफैटिक इथर भी पढ़ना है। अब यानी ये एलिफैटिक इथर पढ़ना है, एरोमेटिक पार्ट को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, एरोमेटिक पार्ट को डिलीट कर दिया गया है, तो ये हम लोग का पार्ट है, और ये हो गया रिमूव। ठीक है, ये पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और इसकी विलियमसन सिंथेसिस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, फ्रीडरिकॉफ रिएक्शन है, इसमें हैलोजनेशन है, नाइट्रेशन है, ये सारी चीजें, यूजेस ऑफ ईथर भी रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। बहुत ये मतलब कि इसमें ऐसी चीज डिलीट की गई है कि भैया ना करते तो कोई मतलब नहीं था। देखो, पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं रिमूव किया गया, कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, पूरा वैसे ही है, ऐसे है ये सारे। देखो, एल्काइन्स पढ़ना है, एसिडिक क्लोरा, एसिड क्लोराइड्स पढ़ना है, फिर सारी चीजें पढ़नी, सारी 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 सारी। क्या नहीं पढ़ना है,
हमें पढ़ना है बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये मत समझो नहीं पढ़ना है, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन वी हैव टू स्टडी, बट क्या नहीं पढ़ना है, उसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है भैया, मतलब रिएक्शन तो पढ़नी पढ़नी है, बस मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, यानी कि मेथड नहीं पढ़ना है उसका, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा ना के बराबर है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो विद मैकेनिज्म, सिर्फ मैकेनिज्म इसको छोड़ी गई है इसकी, ठीक है। अब आ जाओ, मतलब रिएक्शन पढ़नी है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये देखो शुरू से लेके एलिफेटिक एमीन्स आ रहा है, एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स, उसमें सारी चीजें पढ़नी है, माइंस सब है, सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब उसके बाद में आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है। एनिलीन आ जाओ, एक कंपाउंड है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में एक कंपाउंड है, डेट इज योर एनिलीन, एनिलीन में भी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ना है। अब आ जाओ क्या नहीं पढ़ना है, हम तो वही डिस्कस कर रहे हैं ना। तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मेथड एंड प्रिपरेशन, साइनाइड फ्रॉम एल्केल हैलाइड, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, मतलब साइनाइड आइसोसाइनाइड से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। फ्रॉम एमाइड आइसोसाइनाइड, फ्रॉम एल्केल हैलाइड, फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, ये सारी प्रिपरेशन, ये सारी मेथड इसको नहीं पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। अब आ जाओ डाइजोनियम सॉल्ट में एक टॉपिक नहीं पढ़ना, एक रिएक्शन नहीं पढ़नी, दैट इज योर बाल्शीमैन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन आती थी, पूछी जाती थी, लेकिन इस बार नहीं पढ़ना है, अच्छी बात है, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन जो कि इसमें बहुत ज्यादा बनता था, ये इसमें कुछ हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि चैप्टर हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, हमारा हल्का हो गया। अब बायोमोलिक्यूल्स में देखो क्या नहीं पढ़ना है, वैसे बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग को सब पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़नी है, प्रोटीन भी पढ़ना है, और वाइटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड सब पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो देखो, लैक्टोज एंड माल्टोज नहीं पढ़ना है, लैक्टोज एंड माल्टोज नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद में आ जाओ नीचे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ओपन एंड साइक्लिक, इसका डायग्राम बहुत अच्छा था, बहुत लेंदी सा डायग्राम था, और इसके स्ट्रक्चर ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये चैप्टर से रिमूव कर दिया गया। अब रिएक्शन जो इसकी है, हाइड्रोक्सिल एमीन वाली पढ़नी है, ब्रोमीन वाटर से पढ़नी है, और हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन पढ़नी है, बट क्या नहीं पढ़ना है, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, नाइट्रिक एसिड एंड फिनाइल हाइड्रोजन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो मार्क किया है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। डाइसैकेराइड में माल्टोज नहीं पढ़ना है, उसके लैक्टोज नहीं पढ़ना है, ठीक है, ग्लाइकोजन भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ग्लाइकोजन भी नहीं पढ़ना है। अब प्रोटीन्स में क्या क्या नहीं पढ़ना है, प्रोटीन्स में हम लोग को नॉर्मल पढ़ना है सारी चीजें, पेप्टाइड बॉन्ड्स पढ़ना है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स से पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं इसके। इससे भी क्या हो जाता था, ये चैप्टर बहुत लेंदी हो जाता था, ये पार्ट हटा दिया गया है, तो आई थिंक इट इज मच बेटर कि लेंदी नहीं रहेगा, कम से कम आप लोग को सब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ये सब क्या किया कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब उसके बाद में आ जाओ हम लोग पॉलीमर्स में, पॉलीमर्स में कुछ भी नहीं हटाया गया है, एज इट इज पूरा पॉलीमर है, दिल खोल के पढ़ना, रट डालना एकदम, ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है। अब उसके बाद में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा सा चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, हर चैप्टर में थोड़ी रिमूव कर दिया जाएगा। केमिकल इन मेडिसिन पढ़नी है, एनाल्जेसिक, ट्रैंकुलाइजर, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टिंग, ये सब कुछ पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है वो है हम लोगों का सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये पूरा टॉपिक बड़ा लेंदी हो जाता था, है छोटा सा टॉपिक, क्यूट सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इतना टॉपिक हटा दिया गया हमारे किससे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। ये सोप्स एंड डिटर्जेंट से लेके बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन आयनिक, ये पूरा रिमूव कर दिया गया है टॉपिक। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस हम लोगों का क्लास 12 की केमिस्ट्री का, प्रैक्टिकल हम बाद में बताएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क हम बाद में बताएंगे। ये ओवरऑल एनालिसिस थी हम लोग की क्लास 12 की केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि रिड्यूस किया गया है सिलेबस थ्रू बाय आईसीएसई काउंसिल, ठीक है। तो टिल देन अच्छे से सिलेबस को देखो, ठीक है, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।